हेलो व्यूअर्स, आर्ट ऑफ फूड बाय मीनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसे कुमड़ा भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसका हम पूरी बनाने वाले हैं, मसाला पूरी। इसकी मसाला पूरी बहुत टेस्टी बनती है और काफी अच्छा बनता है। जो बच्चे ये नहीं खाते हैं वो भी पूरी बनाएंगे तो वो शौक से और टेस्टी भी लगेगा उन्हें, वो खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि ये बीज जो है इसे हम निकाल देंगे, पूरे बीज को, और छिलका के साथ ये हम इसके छिलके को नहीं निकालेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत फायदेमंद होता है ये छिलका, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। छिलके के साथ एकदम ही बारीक कद्दूकस से हम इस तरह से बारीक वाला से कद्दूकस कर लेते हैं, जिससे कि पूरी बनाने में आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने एकदम ही बारीक वाले से कद्दूकस कर लिया है। अभी क्या करते हैं, एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ये आटा, ये हमने सूजी लिया है जो कि पूरी को अच्छा सा क्रिस्पी बनाएगा। ये कुछ मसाले हमने लिए हैं, उससे पहले इसे ये हमने जो कुमड़े को लाल कद्दू को कद्दूकस करके हमने लिया है। अब इसमें कुछ ऑयल डालेंगे, एक बड़े चम्मच, जिससे कि पूरी काफी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, इसमें कुछ मसाले हमने लिए हैं, ये हल्दी आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, ये लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच से थोड़ा ज्यादा हमने लिया है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, ये अजवाइन आधी छोटी चम्मच। इन सबको इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छा बनता है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी का बना हुआ है, लाल कद्दू का बना हुआ है पूरी। ये धनिया पत्ता और ये हरी मिर्च, इन सबको डाल करके एक अच्छा सा, जितना हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, पहले तो हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, जितना हमें पानी लगेगा उतना डाल करके एक अच्छा सा सख्त डो तैयार कर लेंगे। इस तरह का हमने एकदम ही सख्त डो लगा करके तैयार कर लिया है हमने। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। 10 मिनट्स हो गया है, हटा लेते हैं। काफी अच्छा सा आटा बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा इस पे हम ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा मसल लेंगे आटे को, जिससे कि पूरी काफी अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फीडबैक कमेंट हमें अपना देते रहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगता है और आपको उसमें क्या कमी दिखती है, फ्रेंड्स वो भी मुझे आप बताते रहिए। हमें इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियां, आपको जो साइज चाहिए उस हिसाब से। इसकी पूरी थोड़ी मोटी बनती है फ्रेंड्स, इसके लिए इस तरह से आप बना करके रेडी कर लीजिए। आटा इसको पहले सख्त जरूर डो को रेडी कीजिएगा, अगर सॉफ्ट होगा तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद जो हम रेस्ट पे आटा को छोड़ते हैं तो ये और गीला हो जाएगा। इसके लिए जब भी आप आटा गूंदे तो इसको एकदम ही हार्ड आटा गूंदिए, जब रेस्ट पे रखेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी बनाने जैसा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पूरी को बना करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमने पूरी को बना लिया है, इतने मोटे मोटे, आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज में बनाइए। इधर हमने ऑयल गरम होने रखा है, ऑयल गरम हो गया है। एक एक पूरी को हम इसमें डाल के
अच्छा सा क्रिस्प करके तल लेना है। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसे बनाकर आप बच्चों को टिफिन में दीजिए, वाकई में इसे बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों को। ये बहुत ही बनाने में भी देख सकते हैं आराम से बन जाता है। इसमें आपको एक टिप्स देना चाहेंगे, आप आटा को गून लीजिए और नमक आप लास्ट में डालिए, जिससे कि आप आटा गून करके जैसे कल बनाना है आपको टिफिन में बच्चों को देने के लिए, तो आटे को में बिना नमक का आप गून करके सारा ये सब मटेरियल डाल करके, सिर्फ नमक मत डालिए, और इसी तरह से गून करके रख दीजिए। जब आपको देना रहेगा बच्चों को टिफिन में या बनाना रहेगा, तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि नमक डाल करके फिर से इसे मसल लीजिए और बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। इसे आप ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा फूल करके पूरी बन करके रेडी हो गया। इसी तरह से सारे पूरी को हम बना करके रेडी कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो गया फ्रेंड, इसी तरह से सारे पूरी को बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए काफी अच्छी पूरी बनकर के रेडी हुई है फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी है, इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। ये कुमड़ा बहुत ही आँख के लिए फायदेमंद है, इसे जरूर ट्राई कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।